प्रभु प्रसाद चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज पालक पूरी बनाएंगे। पालक पूरी बनाने के लिए पहले पालक को साफ करके धो के एक बर्तन में डाल रही हूँ। देखिए ऐसा, इसको गैस पर रख करके एक ढक्कन ढक करके 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। देखिए ऐसा, अब इसको ठंडा करके मिक्सी जार में डाल रही हूँ। इसको नाइस पेस्ट कर लेंगे। पालक पूरी बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, पीसा हुआ पालक 1 कप लिया है, 1 कप गेहूं का आटा, 1/2 कप बेसन, काली मिर्ची पाउडर थोड़ा सा, धनिया पाउडर 1 स्पून, लाल मिर्ची पाउडर 1 स्पून, हल्दी 1/2 स्पून, तेल, ऑयल, स्वाद अनुसार नमक, गरम मसाला, थोड़ा सा नींबू का रस, अदरक, मिर्ची, जीरा। अभी एक बर्तन में सब इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ। अभी इसको मिक्स कर लेंगे, आटा गूंद लेंगे। देखिए ऐसा, आटा गूंद लेंगे, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको थोड़ा गूंद लेंगे। देखिए ऐसा, अभी इसको थाली ढक करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए आटा तैयार है। अभी इसका लोई बना लेंगे। देखिए ऐसा, अभी एक लोई लेकर के बेलेंगे। देखिए ऐसा, तेल गरम हो गया है। अभी इस पूरी को मैं तेल में डाल रही हूँ। देखिए कितना फूला हुआ पूरी तैयार हो गया है। अभी इसको निकाल देंगे। अभी दूसरा भी मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। देखिए ऐसा, कितना ग्रीन ग्रीन फुला फुला पूरी तैयार हो रहा है। पालक पूरी तैयार हो गया है। अभी इसको मैं सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। पालक पूरी रेडी।